उल्लासनगर तो आ गया हूँ मैं अपने टूटे हुए मोबाइल को लेकर। अब ये इधर रिपेयर होगा कि नहीं वो देख लेते हैं। मैंने सुना था उल्लासनगर में रिपेयर हो जाएगा मेरा फोल्ड मोबाइल जिसकी वाट लग गई है। एक बार बस इधर देख लेते हैं किधर रिपेयर होगा। किसी लोकल से पूछेंगे तो वही बता सकता है कि किधर ये रिपेयर होगा। उल्लासनगर सेक्शन 17 सेक्शन में आ गया। इधर बहुत लोग हैं, किससे पूछ लेना। एक्सक्यूज़ मी भाई, ये फोल्ड मोबाइल है मेरा, ये रिपेयर हो जाएगा क्या इधर किधर? क्या हुआ है इसमें? लेकिन गिर गया था ये, उसके बाद इसकी पूरी हालत ख़राब है। आप ओपन करके देखो, पावर बटन दबा तो पूरा टूट गया है। हाँ हाँ, तो होएगा क्या किधर रिपेयर? क्योंकि महंगा है, इसके लिए मेरे को रिपेयर करवाना ही पड़ेगा। सस्ता होता तो कोई इशू नहीं था। ये सैमसंग का फोल्ड है ना, इधर 17 पे इधर है ना, आपको कोई एक ही जगह पे मिलेगा, पूजा मोबाइल्स में। वो लोग फोल्ड और फ्लिप के स्पेशलिस्ट है। किधर है ये? ये जो सामने आपको लेनोवो का शोरूम दिख रहा है। हाँ हाँ। लेनोवो के शोरूम के अंदर है ना, गली जा रही है, उधर ही सैमसंग के स्पेशलिस्ट है, पूछ लो पूजा मोबाइल्स बता देगा। पैसा क्या होगा पैसा, क्योंकि लूट लेंगे मुझे ऐसा लग रहा है। कोई लूटेगा नहीं वहाँ पे आपको। पूजा मोबाइल्स में आपको 50% ऑफ मिलता है मार्केट से। मार्केट प्राइस से 50% ऑफ। सच बोल रहे हो ना? एकदम सच बोल रहा हूँ भाई। ठीक है फिर तो मैं सबसे पहले उधर ही विजिट करता हूँ और अपना ये टूटा हुआ मोबाइल रिपेयर करवा लेता हूँ। थैंक यू सो मच। बताया इन्होंने कि 50% मार्केट से ऑफ में ये मोबाइल रिपेयर होगा। तो चले जाते हैं लेनोवो के पास। तो मैं था ही, ये लेनोवो के पास आ गया हूँ मैं। लेनोवो के ऑपोजिट में उन्होंने रोड बताया है कि ये रोड के वहाँ से चले आ रहे हैं सदगुरु पैलेस है। आई गेस इधर से सीधा अंदर जाने मिल जाएगा। पूजा मोबाइल भी है, पूजा मोबाइल के लिए सीधे अंदर। तो अंदर चले आता हूँ और चेकआउट कर लेता हूँ कि सही में ये मोबाइल रिपेयर होगा कि नहीं। तो आ गया हूँ मैं, इनसे पूछ लेता हूँ मोबाइल रिपेयर। एक्सक्यूज़ मी सर, सर ये मोबाइल रिपेयर करना था। क्या प्रॉब्लम हुआ? सर ये गिर गया था मोबाइल। यश भाई, क्या प्रॉब्लम है सर? गिर गया था ये, इसका पहले ये तो डैमेज हो गया है पूरा। जी जी, पहले फ्रंट डिस्प्ले चल रहा था बट अभी वो भी बंद हो गया है। ये जो आपका अंदर का डिस्प्ले ना, ये तो पूरा चेंज ही होएगा। अच्छा, बाकी ये जो आपका बाहर वाला डिस्प्ले है, ये हो सकता है कि लूज कनेक्शन हो गया हो या तो मिडिल फ्लेक्स का प्रॉब्लम रहता है इसमें, उसकी वजह से होता है। ये फ्रंट वाला डिस्प्ले ओपन करेंगे तो ही समझेगा हमको। ओके। बाकी ये बाहर वाला जो ये अंदर वाला डिस्प्ले आपका, ये पूरा चेंज ही होगा, ये रिपेयर नहीं होगा। पर हो जाएगा ना सर? हाँ हाँ सर, हो जाएगा। सर कितना टाइम जाएगा इसको? 2 घंटे लगेंगे, 2 घंटे के अंदर हो जाएगा पूरा। हो जाएगा ना? फॉर श्योर। हाँ सर, बस यही रिपेयर करते हो या आप और कुछ भी रिपेयर करते हो? सब रिपेयर करते हैं हम लोग, फोल्ड वगैरह के सब डिस्प्ले हमारे पास स्टॉक में अवेलेबल रहते हैं। फोल्ड फ्लिप सीरीज के कोई भी आप बोलो, सब अवेलेबल रहते हैं। विद इन 2 आवर्स हम आपको आपका फ़ोन रिपेयर करके दे देते हैं। फ्रंट का आपका जो फोल्ड के ग्लास चेंज करने रहते हैं, फ्रंट वाला डिस्प्ले रहता है जिनका ग्लास टूट जाता है, डिस्प्ले ओके रहते हैं, वो सब ग्लास चेंज हो जाते हैं। फोल्ड 2, फोल्ड 3 बोलो, फोल्ड 4 बोलो, ये ओरिजिनल बैटरीज है हमारे पास सब। मुझे लगता है कि फोल्ड्स में ये बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। फोल्ड के ही हम लोग, फोल्ड के ही स्पेशलिस्ट है, ज़्यादा करके फोल्ड ही रिपेयर करते हैं हम लोग। बाकी सब भी काम करते हैं, जैसे अपडेट वगैरह में आपका डिस्प्ले ग्रीन हो जाता है, आईफोन वगैरह का हुआ या वन प्लस का हुआ, वो सब भी रिपेयर हो जाते हैं हमारे पास। अगर डिस्प्ले डैमेज हो जाता है तो डिस्प्ले भी हमारे पास सब स्टॉक में पड़ा हुआ रहता है। डिस्प्ले सैमसंग बोलो, वन प्लस बोलो, ओप्पो, वीवो, MI, सब ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स में डील करते हैं हम लोग। सर आप ऐसी क्या टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो जो आप रिपेयर कर पा रहे हो? मैंने बहुत लोगों से पूछा, वो लोग तो मना कर दिया कि नहीं हो पाएगा। ऐसा है ना, डिस्प्ले का इसमें पेपर डिस्प्ले जो क्वालिटी रहती है ना डिस्प्ले की, वो पेपर डिस्प्ले की क्वालिटी आती है। अच्छा। तो सब लोग रिपेयर नहीं करते हैं, हम लोग ही रिपेयर करते हैं। और उसके बाद अगर आपका डिस्प्ले का जो फ्लेक्स वगैरह हो जाता है प्रॉब्लम, फ्लेक्स का ग्रीन हो जाता है डिस्प्ले, टच नहीं चलता है, वो सब भी हम लोग मशीन वगैरह, हमारे पास सब मशीन का पूरा सेटअप है। अच्छा, ये पूरा आपका मशीन का सेटअप। सर आप क्या मशीन वगैरह यूज करते हो ये सब रिपेयर करने के लिए? ये सब हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला मशीन है, जो एकदम हम लोग मशीन में ही रिपेयर करते हैं। डिस्प्ले हाथ के थ्रू कोई भी काम नहीं होता है। आप आ जाइए, मैं आपको दिखा देता हूँ कौन से मशीन में क्या क्या काम होता है। देखिए ये हमारे पास टैब है सैमसंग का, डिस्प्ले इसका डैमेज है, डिस्प्ले चेंज करना है अपने को इसका। उसके बाद देखिए ये भाई अपने पास फ्लैट डिस्प्ले का सब ग्लास चेंज कर रहे हैं, सब फ्लैट डिस्प्ले जो रहते हैं उसके भी ग्लास चेंज करते हैं हम लोग, कर्व डिस्प्ले भी करते हैं। अब ये देखो ये सैमसंग का जैसे हमारे पास आया हुआ है ये फोन। सर ये इतने सारे कस्टमर आते हैं क्या आपके पास? ये हम लोग डीलर लोग के काम करते हैं ना, डीलर लोग सब हमारे पास आते हैं, हम लोग डीलर लोग के काम करते हैं, इसके लिए सब ज्यादा फोन। तो मोबाइल वाले आपके वहाँ आते हैं रिपेयर करवाने? सब हमारे पास मशीन वगैरह है ना, इसके लिए हम लोग सब कस्टमर लोग का भी काम करते हैं, डीलर लोग का भी काम करते हैं। जो कस्टमर लोग, रीजन क्या है आपके वहाँ मतलब डीलर्स लोग आ रहे हैं रिपेयर करवाने? कैसे, हमारे पास सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली मशीन है ना, उसके लिए सब डीलर लोग भी हमारे पास विजिट करते हैं, कस्टमर लोग भी आते हैं।
और कस्टमर लोग के साथ जो रेट का व्यवहार रहता है वो हम लोग डीलर लोग के हिसाब से ही लेते हैं, होलसेल रेट रहते हैं। अच्छा, होलसेल रेट में रहता है। कस्टमर को भी इसके लिए वो लोग को बेनिफिट होता है तो वापस करवा लेते हैं। और ये देखो, ये जैसे ये ग्लास डैमेज किया हुआ है इसका, ये इसका ग्लास चेंज करते हैं, ये एज डिस्प्ले का ग्लास चेंज करना है, ये ज्यादातर लोग करते नहीं है। ये सैमसंग का डिस्प्ले ग्रीन हो गया, ये भी रिपेयर करते हैं हम लोग। ये फ्लिप सैमसंग का फ्लिप मॉडल है, इसका फ्रंट का ग्लास टूटा हुआ है, ये भी चेंज हो जाता है। ये वीवो का है, कर्व डिस्प्ले के मॉडल के ग्लास चेंज होते हैं, ये यहाँ से ग्लास चेंज हो जाएगा, पूरा चेंज हो जाएगा। ओके, ये फोल्ड फ्लिप है, ये फोल्ड का फ्रंट का ग्लास जो मैंने अभी आपको बताया था, हाँ। ये यहाँ से डैमेज है, ये चेंज हो जाएगा। अच्छा। ये फोल्ड फोर आया हमारे पास, इसमें डिस्प्ले अंदर का डैमेज है। अच्छा, फ्रंट का वर्क कर रहा है। हाँ, फ्रंट पूरा एकदम वर्किंग है, अंदर का डिस्प्ले डैमेज हो गया। स्टार्ट में तो मेरा भी फ्रंट का वर्क कर रहा था, बट उसके बाद वो भी बंद हो गया। हाँ, ये भी चेंज हो जाएगा, इसका अंदर का डिस्प्ले चेंज करना पड़ेगा। जैसे आपका डैमेज हो गया वैसे इनका भी डैमेज हो गया, ये भी चेंज हो जाएगा। ये भी फोल्ड थ्री है, ये भी अंदर की डिस्प्ले डालने के लिए आया है। अच्छा, ये कस्टमर का फ्रंट वाला डिस्प्ले वर्किंग है, अंदर का डिस्प्ले डैमेज है, ये भी चेंज करते हैं हम लोग। उसके बाद फिर ये जो मशीन है, ये दोनों मशीन OCA मशीन बोलते हैं इनको। अच्छा। जो ये भाई ग्लास चेंज कर रहे थे, ग्लास चेंज करके मशीन से फिट होते हैं ग्लास, जो नए ग्लास हम लोग ओरिजिनल ग्लास बिठाते हैं वो ये मशीन के थ्रू चिपकते हैं, उसमें प्रोफेशनल काम होता है पूरा। ये जो डिस्प्ले, ये मशीन है दूसरा वाला, ये फ्लेक्स बॉन्डिंग मशीन बोलते हैं इसको। अच्छा। ये भाई हमारे बना रहे हैं इसको, जो ग्रीन डिस्प्ले वगैरह आते हैं ना, जो वो डिस्प्ले प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। अभी ये देखो, ये डिस्प्ले चालू है, ये कभी कभार डिस्प्ले ग्रीन हो जाता है चलते चलते। अच्छा। टच नहीं चलता है, फ्लिकर करता है, वो सब डिस्प्ले ये मशीन में रिपेयर होते हैं। अच्छा। ये मशीन, और ये LED TV पे कौन सी पिक्चर चल रही है? ये जो फ्लेक्स इस पे रखी हुई है ना डिस्प्ले की, ये फ्लेक्स ही है, उसमें वो माइक्रोस्कोप वगैरह के थ्रू ही दिखता है वो, ऐसे नहीं दिखता है। अच्छा। सब ट्रैक्स है वो जो दिख रहे हैं ना आपको डिस्प्ले के, वो ट्रैक के थ्रू नया स्ट्रिप चेंज करते हैं हम लोग। okay. इसमें वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है जो ग्रीन डिस्प्ले आता है। ठीक है। उसके बाद फिर हमारे ये भाई प्रोफेशनल है एकदम हार्डवेयर के, हार्डवेयर फ़ोन जो भी प्रॉब्लम आता है, रीस्टार्ट होता है, CPU का प्रॉब्लम रहता है, वो सभी हमारे भाई बनाते हैं। आईफोन वगैरह में डिस्प्ले के मैसेजेस जो आते हैं वो रिमूव करते हैं। आईफोन वगैरह भी देखेंगे कैसा दिखेगा ये सब, वो सब मल्टीमीटर पे रीडिंग्स चेक कर रहे हैं। ओके। ये जो ऐसे आपको इसमें लैपटॉप में दिख रहा है, स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू रिपेयर करते हैं, उसके थ्रू रीडिंग चेक कर रहे हैं कौन से इसमें फ़ोन में क्या प्रॉब्लम है। अच्छा। वहाँ पे आप टीवी में देख सकते हो, वहाँ पे रीडिंग्स वगैरह वो माइक्रोस्कोप में जो काम कर रहे हैं आपको टीवी में दिख रहा है वो। अच्छा, प्रॉपर, मतलब कस्टमर उसके सामने भी चेक सब कर सब सब हम सब फोन जो भी है कस्टमर के सामने ही रिपेयर करते हैं। कोई भी फोन कस्टमर के जाने के बाद रिपेयर नहीं होता है, सब उनके सामने ही फिटिंग करके देते हैं उनको। उसके बाद फिर जैसे अभी ये इनका CPU का प्रॉब्लम के लिए फोन आया हुआ है, फोन रीस्टार्ट मार रहा है बार बार। सैमसंग का फोन है M31S, इनमें रेगुलरली ये प्रॉब्लम आता है, बाय डिफॉल्ट कंपनी का प्रॉब्लम है वो। ये रिपेयर करते हैं हम लोग विथ वारंटी, रिपेयर करते हैं। अगर आप हमारे से रिपेयर कराते हो तो इसमें आपको 1 मंथ का वारंटी देते हैं। ज़्यादातर लोग आप कहीं से भी रिपेयर कराओगे आपको वारंटी नहीं मिलती, हमारे तरफ से आपको वारंटी भी मिलती है। ये सब सैमसंग, ये आईफोन के फ़ोन है। ये बैक ग्लास इसका जैसे डैमेज किया हुआ है तो बॉडी वगैरह पे भी इनके डेंट है, तो इसके लिए पूरा बॉडी चेंज होएगा इसका। मोबाइल के रिलेटेड मतलब कुछ भी काम, कोई भी आपको फ़ोन में कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, डैमेज हो गया है, फ़ोन चालू नहीं हो रहा है, डिस्प्ले का प्रॉब्लम है, फ़ोन से रिलेटेड आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, सब आपको हमारे यहाँ पे वन स्टॉप सोल्यूशन मिल जाएगा। ओके, आई गेस एक और कस्टमर आया है। हाँ, इनका फ़ोन रिपेयर हो रहा है सर। अच्छा, हमने डिस्प्ले भी ले लिया है। अच्छा, कौन सा फ़ोन लेके आए हो सर? रियलमी। अच्छा, बच्चे लोग का है, रियलमी फ़ोन आया है। अच्छा, ये फ़ोन है क्या सर आपका? किधर से आए हो आप? अंबरनाथ से रिपेयर करने आए हो ना सर? ठीक है, इधर हो जाएगा सर रिपेयर, क्योंकि अभी मैं खुद मेरा मोबाइल दिया हूँ इधर रिपेयर करने के लिए। ये सब हमारे पास डिस्प्ले वगैरह सब स्टॉक में पड़े रहते हैं, सैमसंग के, वन प्लस, ओप्पो, वीवो, MI के सब ओरिजिनल डिस्प्ले हमारे पास स्टॉक में पड़े रहते हैं। ये सब स्पेयर पार्ट्स है फ़ोन के, किसका बैटरी, कैमरा, बॉडी वगैरह सब आपको चाहिए, यहाँ पे हमारे पास बैक पैनल सब फोन के पड़े हुए हैं। सर इतना क्वांटिटी कैसे सब? नहीं तो हम लोग होलसेल करते हैं ना, डीलर लोग को लगता रहता है, ये डेली का रनिंग आइटम्स है ये सब जो हमारे पास पड़े ना। पर्सनल क्वेश्चन है थोड़ा, आप दिन के कितने मोबाइल रिपेयर करते होगे सर? ऐसे फिक्स नहीं रहते, कभी 8-10 हो जाते हैं, कभी 15 भी जाते हैं, कभी कभार एक दो भी नहीं होता है, वो सब मार्केट के ऊपर डिपेंड करते हैं। सर सबसे ज्यादा कौन से अभी मेन हमारा काम? फोल्ड और सैमसंग के जो फोल्ड फ्लिप आते हैं ना, फोल्ड और फ्लिप की सीरीज आती है, वही हम लोग रिपेयर करते हैं। उनमें क्या है ज्यादातर, आप आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास सैमसंग का फोल्ड 4 मॉडल है, इसमें ये डिस्प्ले देखो, ये मैंने डिस्प्ले निकाला हुआ है इसका। अच्छा। ये फ़ोन में ये प्रॉब्लम था कि फ्रंट वाला डिस्प्ले कभी टच नहीं चल रहा था, कभी अंदर का डिस्प्ले नहीं आ रहा था, तो वो प्रॉब्लम की वजह से हमारे पास आया हुआ था ये। इसमें ये जो स्ट्रिप्स है ना, ये लगी हुई अंदर, ये स्ट्रिप मेन मिडिल स्ट्रिप का प्रॉब्लम आता है फोन में, तो ये चेंज करने के लिए हमको ये अंदर वाला डिस्प्ले ना, जो पूरा ये अंदर का डिस्प्ले हमको बाहर निकालना पड़ता है, ये पूरा ओपन करना पड़ता है, तो ही हम लोग उसका फ्लेक्स चेंज कर सकते हैं, नहीं तो वो चेंज नहीं होता है। तो ज़्यादा अगर इसमें यही इशू आता है, आपके फोल्ड 2, फोल्ड 3, फोल्ड 4, फोल्ड 5
और फ्लिप वन से लेके फ्लिप फाइव तक कोई भी फ़ोन्स में स्पीकर नहीं चल रहा है, वाईफाई नहीं चल रहा है, ब्लूटूथ नहीं चल रहा है, आगे की डिस्प्ले चल रही है, अंदर की नहीं चल रही है, एक कभी कभार चल रहा है, कभी अंदर वाला बंद हो जाता है, या आप फ़ोन पे बात करते करते आपका नेटवर्क कट हो जाता है। आपके पास अगर कोई भी सैमसंग का फोल्ड और फ्लिप मॉडल है, फोल्ड टू, फोल्ड थ्री, फोल्ड फोर, फोल्ड फाइव और फ्लिप में फ्लिप वन, फ्लिप थ्री, फ्लिप फोर, फ्लिप फाइव, इनमें कुछ भी ऐसा रिंगर, स्पीकर, वाईफाई वगैरह कुछ भी प्रॉब्लम आता है, वो मिडिल फ्लेक्स के थ्रू ही रिपेयर होता है। आप वो बेझिझक हमारे पास लेके आ जाइए, विद इन टू आवर्स आपको रिपेयर करके मिल जाएगा। उसमें कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा आपको सोल्यूशन उसका हमारे पास मिल जाएगा। अगर आपका डिस्प्ले भी डैमेज हो जाता है तो डिस्प्ले भी अवेलेबल है, अगर फ्रेम में बॉडी में डेंट्स वगैरह है फ्रेम वगैरह भी हमारे पास अवेलेबल है, बैटरीज, मिडिल स्ट्रिप, कैमरा वगैरह, फोल्ड फ्लिप का आपको जो चाहिए सब हमारे पास अवेलेबल रहता है। सब जो मैंने आपको काम बताया फोल्ड फ्लिप का, आईफोन वगैरह के ग्रीन डिस्प्ले का, सैमसंग का ग्रीन डिस्प्ले का, ये सब हम लोग आपको एक ही वीडियो में शॉर्ट में हम लोग आपको नहीं बता सकते। वो कैसा है ना, अगर आपको डिटेल में देखना है तो हम लोग हमारे यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम चैनल पे हम लोग सब एकदम डेली अपडेट करते रहते हैं, आप उस पर भी हमको फॉलो कर सकते हो। हम लोग यूट्यूब पे भी है, इंस्टा पे भी है, फेसबुक पे भी है। अभी आप देख सकते हो ये हमारे पास कूरियर आया हुआ है, कूरियर सर्विस भी हमारे पास आप अवेलेबल है। जो भी आपको कूरियर आप किधर से आया सर, ये हमारे पास आया है, ये नासिक से, देखो ये भी डीलर है देवा मोबाइल। दूर से भी लोग भेजते हैं। हाँ, तो हम लोग सब होलसेल, मैं आपको बताया ना डीलर का काम करते हैं हम लोग, बाहर से भी एमपी वगैरह से, नासिक साइड से हमारे पास कूरियर आते हैं। विद इन अ डे जिस दिन आपका कूरियर रिसीव होता है उसी दिन हम लोग रिपेयर करके नेक्स्ट डे पे आपको कूरियर में रिटर्न भेज देते हैं। ये कूरियर में आया हुआ है, आ जाइए मैं आपको दिखाता हूँ उसमें कूरियर में क्या है फ़ोन में। शूट कर रहे थे और वही दौरान कुरियर भी आ गया है, तो वो भी ओपन करके देख लेते हैं कि क्या 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 है इसके अंदर, तो क्या प्रॉब्लम वाला फ़ोन है वो भी चेकआउट कर लेते हैं एक बार इसमें। देखिए सैमसंग का फोन, यही है सैमसंग का फोल्ड थ्री है, ये मेरे को इन्होंने फ़ोन पे बताया था। इसमें वाईफाई नहीं चल रहा है, जो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि वाईफाई वगैरह नहीं चलता है, तो उसमें ये फ्लेक्स हम लोग को चेंज करनी पड़ती है। ये सैमसंग के फोल्ड फोर की मॉडल की फ्लेक्स है, वैसे ही फोल्ड थ्री का इसका फ्लेक्स चेंज करना पड़ता है। ये अभी ऑन नहीं हो रहा है, इसमें शायद बैटरी लो है, वाईफाई वगैरह का इसमें इशू आता है आ रहा है इसमें, वो हम लोग इसको फ्लेक्स चेंज करेंगे। कस्टमर का डीलर का फ़ोन है ये हम लोग इसका फ्लेक्स चेंज करके आज ही उनको कुरियर में रिटर्न भिजवा देंगे। अगर लेट होता है तो फिर नेक्स्ट डे पर हम लोग आपको कुरियर भिजवा दें। सर आपने फोल्ड और फ्लिप का तो बता दिया क्या प्रॉब्लम आती है, एक प्रॉब्लम मैंने आईफोन में देखा हूँ कि उसमें एक ग्रीन लाइन का इशू बहुत आ रहा है। ग्रीन लाइन का पहले आता था, अभी ग्रीन डिस्प्ले ग्रीन हो जाता है पूरा अपडेट करने के बाद। आप अगर अपडेट करते हो फोन को तो उसमें आपका डिस्प्ले ग्रीन हो जाता है, येलोइश हो जाता है, रेनबो कलर आ जाता है पूरा डिस्प्ले पे। सर पहले रीजन बता दो क्यों होता है वो, अपडेट करते हैं हम लोग तभी होता है। अगर आप फोन को अपडेट करते हो तो उसके बाद अपडेट होता है। पहले तो मैं आपको बोलूँगा आप अपडेट मत कीजिए फोन को जब तक आप उसका रिव्यूज नहीं पढ़ लेते हो। अगर इनकेस आपने रिव्यू नहीं पढ़ा, अपडेट कर देते हो, उसमें रेनबो का प्रॉब्लम आता है, डिस्प्ले में रेनबो कलर दिखते हैं पूरे और ग्रीन हो जाता है, येलो हो जाता है, वो भी हमारे पास रिपेयर हो जाता है। वो कोई एकदम सॉफ्टवेयर का इशू नहीं है, हम आपको एकदम बेसिक चार्ज लेके रिपेयर करके देते हैं। वो डिस्प्ले का ही फ्लेक्स का इशू रहता है, वो भी हमारे पास रिपेयर हो जाता है। सर आपका मेरे को मशीन्स वगैरह सब बहुत अच्छा लगा, आपका काम अच्छा लगा, थैंक यू, सब चीज़ अच्छी लगी है। बस मेन चीज़ पे आते हैं जो सबका कंसर्न रहता है, प्राइसिंग। सर प्राइसिंग सर एकदम आपको मार्केट से मैं आपको एकदम गारंटेड बोल सकता हूँ कि हमारे रेट में आपको कोई भी नहीं करके देगा। ओके, रेट वगैरह में आपको मार्केट से आप जो रेट निकालोगे उसे हमेशा हमारा रेट कम ही रहेगा। आपको रेट जो भी है एकदम रीजनेबल रहते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है कि जो मार्केट में 2000 होता है तो हम लोग आपसे 2500 चार्ज करेंगे, बल्कि हम लोग 2000 से और कम ही चार्ज करते हैं आपको, क्योंकि हम लोग होलसेल रेट्स लगाते हैं कस्टमर को भी तो डीलर लोग को भी। सर आपका शॉप का टाइमिंग क्या हो जाता है? टाइमिंग हमारा मॉर्निंग आफ्टरनून 12 को चालू होता है हमारा शॉप, और रात को 11 बजे तक हम लोग बैठे रहते हैं, और वीक ऑफ हमारा कोई भी नहीं रहता है, संडे को हाफ डे रहता है, लेकिन शॉप चालू रहता है। आप विजिट कर सकते हो, काम रहेगा तो कुछ भी हम लोग करके दे सकते हैं आपको। गाइस देखो आपको हर एक चीज़ बता दिए, छोटी से छोटी चीज़ ट्राई की है कि आपको वीडियो के थ्रू बता दे, तो आप लोग देख सकते हो। अब आपको जो भी प्रॉब्लम है रिपेयर के लिए तो आप लोग इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, एड्रेस नंबर आपको है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेक्नोलॉजी वगैरह आप लोग देख सकते हो कि क्या टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, टोटली एडवांस टेक्नोलॉजी हो रही है, काम उधर हो रहा है, दिख इधर रहा है, तो आप लोग देख सकते हो ये सारी चीज़ हो जाएगी। एड्रेस नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। ये वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना। जो भी चैनल पर फर्स्ट टाइम आया प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। फिर मिलते हैं बहुत जल्द कोई नई सी वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम बी सेफ एंड हैव फन। पीस आउट।